नमस्कार। अभी आज है रविवार और तारीख है 17 दिसंबर। समय है हो चुका है अभी लगभग 11 बज चुके हैं और अभी हम हैं ब्रह्म सरोवर के मुख्य द्वार पर, क्योंकि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है। मेरे साथ मेरे दो स्टूडेंट भी हैं, नमन और निशांत, जिनका परिचय मैं अभी थोड़ी देर में कराऊंगा और चलते हैं। अभी हम मुख्य द्वार से, मेन गेट से, लेफ्ट साइड से होते हुए पूरा चक्कर लगाएंगे और जो भी हम देख रहे हैं वो सब आपको दिखाएंगे। आज रविवार है तो आज काफी सारी भीड़ है। दूसरा, आज यहाँ पर भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी भी आएंगे और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी भी आएंगे। अपने साथ से मेरे गेट पर मिले, धन्यवाद। अभी वो यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स का उद्घाटन करेंगे तो देखते हैं वहाँ तक हमें जाने दिया जाता है या नहीं, तो चलते हैं। सर्वेश्वर महादेव मंदिर, कहा जाता है कि बहुत सालों पहले, सृष्टि बनाने से पहले यहाँ पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था और यहाँ पर ब्रह्मा जी ने खुद अपने हाथों से शिवलिंग की स्थापना की थी और यहाँ यज्ञ करने के बाद इसी जगह से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करना शुरू किया था। तो ये वही मंदिर है जिसको सर्वेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। सर्टिफिकेट मिला है।
ये हमारे क्विज वाले सर थे। बच्चे का नाम सनी जोड़ जोड़ गांव का रहने वाला है। बच्चा ये किसी को डाले या किसी को माता जी की नजर और एक बेटी मामा भाई और जो सरकारी स्टार्ट है भाई एक पेटी तो आपने जलेबी खाई होगी, ठीक है, आपने जलेबी खाई होगी। ये है जलेबी का हस्बैंड जलेब। तो ये देसी घी का बना हुआ जलेब है जिसका रेट है 80 रुपए। इसको खाकर देखते हैं कैसा है। तो आप भी गीत जयंती आओ तो ये जरूर ट्राई करना। आप क्या चलाते हो? स्वादिष्ट पूरी दे रहे हमारे पास खाना नींबू मसाले वाली चटपटी भेलपूरी खाके जाना और घर जाके बताना पड़ोसियों को जाना चटपटी भेलपूरी खाके जाना। सारा जमाना भेलपूरी कदी बना जमाने के फिर क्यों भेलपूरी है खाना। आइए नींबू मसाले वाली चटपटी भेलपूरी तुम्हें दिल लगी जानी पड़ेगी चटपटी भेलपूरी खाके तो देखो। आइए नींबू मसाले वाली चटपटी भेलपूरी। चलो अभी तो अब रहने दे रहे हैं। आइए आपका ध्यान किधर है? चटपटी भेलपूरी दे रहे हमारे पास।
तो यह है भेलपुरी 30 रुपए की प्लेट। अच्छी है, खट्टी, नमकीन और स्वादिष्ट। तो आज क्योंकि उपराष्ट्रपति जी आए हुए हैं तो ब्रह्म सरोवर का बीच का रास्ता बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है और हमें भी वापस जाना पड़ रहा है। आपको दिखाता हूँ कितनी भीड़ है। अभी ब्रह्म सरोवर के बगल में ही झूले लगे हुए हैं, अलग अलग झूले हैं, तो वहां चलते हैं एक बार, कोशिश करते हैं कोई झूला लेने की। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि कहाँ लगे हुए हैं झूले। स्टार्ट है। तो ये मेले वाले झूले में जाने के लिए 3 टिकट ले लिया है, एक टिकट 20 रुपीज की है। अंततः हम झूले वाले मेले में घुस चुके हैं और प्यास लगी हुई है, तो सबसे पहले अनानास का जूस 20 रुपीज। मीठा है, खट्टा मीठा स्वादिष्ट। तो मेरे पीछे ये झूला है, इसका नाम है छोटा ब्रेक डांस। इसमें झूला यूं करता करता बिल्कुल उल्टा हो जाता है ऊपर। इसकी फीस है 100 रुपए। तो मेरे स्टूडेंट तो मना कर रहे हैं कि हम नहीं जाते, तो मैं इस झूले में पहली बार बैठूंगा, देखते हैं कैसा अनुभव रहता है।
भी सारा मतलब कुंडा भी जुड़ के सड़ा सारा कचरा पंचायत का कुंडा गए बहुत अच्छा अनुभव रहा। मुझे लग रहा था कि डर लगेगा या नहीं लगेगा, जैसे ऊपर जाते हैं उल्टा हो जाते हैं तो एक बार तो हल्का सा डर लगता है, लेकिन उसी डर में मजा आता है। तो एक बहुत ही रोमांचक अनुभव रहा ये, मुझे मेरे साथी मिल गए। आपका कैसा अनुभव रहा? बिल्कुल बहुत बढ़िया रहा, बट यहाँ पे ना मतलब जो सर्कल दिया उन्होंने वो बिल्कुल ही कम था। थोड़ा टाइम और होना, टाइम और देते ना, दो तीन मिनट और होने के तो ज्यादा मजा आता। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ गीत जयंती में बेर भी मिलते हैं, ठीक है, प्राइस 20 रुपीज। खट्टे मीठे नमकीन तो इस तरह हमने पूरी गीत जयंती घूम लिया। गीत जयंती में बहुत भीड़ थी और कुछ चीजें देख नहीं पाया, लेकिन लगभग देख ही लिया सारी। तो अंत करते हैं बुढ़िया के बालों से। तो ये आपके सामने जो एक खाने की चीज है, इसको गांव में बुढ़िया के बाल कहते हैं और इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं। ये आया है 20 रुपए का, चीनी के बने होते हैं और मुंह में डालते ही घुल जाते हैं। तो अपनी इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। आज 17 तारीख है, 24 तारीख तक, 24 दिसंबर तक गीत जयंती लगी हुई है। हर साल नवंबर महीने के अंत में या दिसंबर महीने की शुरुआत में गीत जयंती लगती है। तो अगर संभव हो आपके लिए, आप हरियाणा में आ सकते हो, हरियाणा में कुरुक्षेत्र में आ सकते हो, तो आप गीत जयंती देखने जरूर आना। नमस्कारम। तो अब मैं मिलवाता हूँ आपको अपने स्टूडेंट के साथ, अपने स्टूडेंट से। तो मेरे साथ मेरे दो स्टूडेंट थे, नमन और निशांत। नमन तो कैमरे पर आना नहीं चाहता, तो मेरे सामने है निशांत। तो
तो निशांत जी, आज का आपका अनुभव गीत जयंती का कैसा रहा, कैसा लगा आपको आज यहाँ आकर? आज मैं फर्स्ट टाइम गीत जयंती आया था सचिन सर के साथ, गीत जयंती में आके बहुत अच्छा लगा, पर लेकिन आज बहुत ज्यादा भीड़ थी जिसके कारण हमने जल्दी जल्दी देखा सब कुछ, और फिर हम झूले भी लेने गए थे, फिर सचिन सर वहाँ पर, सचिन सर ने वहाँ झूले लिए, फुल मजे किए आज। आज का अनुभव बहुत अच्छा रहा। आप भी 17 तारीख से लेके 24 तारीख तक गीत जयंती है, दोबारा फिर आएंगे सचिन सर के साथ। इस ईयर में मैं फर्स्ट टाइम आया था सचिन सर के साथ। ओके बायो।